लॉकडाउन की पुनः आशंका। कोरोना के चलते देश के व्यापार में भारी गिरावट। टीकाकरण के बाद भी लोग हो रहे हैं पॉजिटिव, सतर्कता जरूरी। अब दुनिया को खत्म करने के लिए एक वायरस ही काफी। अरे ओ भाई, महामारी इस तरह से फैल रही है और तुम यहाँ वहां थूक रहे हो, कूड़ा फेंक रहे हो। अरे तुम अपना काम करो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? आते जाते आदमियों को परेशान कर रहे हो, अपना काम कर। अरे मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन हम लोगों को ले डूबेगी। अरे कहाँ है लापरवाही, अरे कहाँ है भीड़, कहाँ है बिना मास्क वाले लोग, जल्दी बताओ कहाँ है। अरे मैंने कोई लापरवाही नहीं की भाई, मैं तो मास्क भी लगाता हूँ, मैं तो थूकता भी नहीं हूँ। ये जो इंसान है ना, धीरे धीरे बहुत समझदार होता जा रहा है, अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है। अरे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि इनको हमारा कहर, हमारी तबाही बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है इन लोगों में, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे सुरेश, तेरी तबीयत खराब है, तूने डॉक्टर को दिखाया? अरे नॉर्मल खांसी जुकाम है मेरे भाई, अभी ठीक हो जाएगा, चल घर। अरे सुन, मैं जब अस्पताल में सफाई करने जाता हूँ तो वहाँ पे सैकड़ों मरीजों को देखता हूँ जो कोरोना से तड़प रहे हैं, और तू है कि लापरवाही पे लापरवाही कर रहा है। अरे मेरे भाई तुझे पता है यार, सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को घर पहुँचता है यार, और तू कहता है कि अस्पताल जा, दिखाने जा। अरे मेरे भाई घर जाऊंगा, पैरासिटामोल खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, तू क्यों परेशान हो रहा है यार? अरे परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि तेरी इस लापरवाही की वजह से तेरे घर वाले भी संक्रमित हो जाएंगे। अरे सुन तो, अरे कहाँ लेके जा रहा है यार मुझे, तू पहले चल। अरे कहाँ लेके, तू चल। नमस्ते साहब। नमस्ते। अब इनको समझाइए, मैं तो इनको समझा समझा के थक गया। इनका ये कहना है
कि इन्होंने कोरोना की दो डोजें ले ली, अब इनको कोरोना का कोई खतरा नहीं। अब आप ही बताइए। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो गलती कर रहे हैं। अगर आपने कोरोना का दोनों डोज ले लिया और आपको कोरोना नहीं होगा तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, अगर किसी ने एक भी डोज नहीं लिया तो ये उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा बजाय उसके जिन्होंने दोनों डोज ले ली। और अब तो हमें बूस्टर डोज भी लगवाना है, आपको पता है कि नहीं ये बात? अरे मैडम, मैंने भी क्यों जो ताने भी खेलू छू, घर जाऊंगा, दवाई लेऊंगा, सो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। अरे ये बीमारी न थी बड़ी मत बनाओ, नॉर्मल खांसी जुकाम से खांसी जुकाम। अरे ये बीमारी न बड़ी बनाओ ले, तो लोग बात खांसी जुकाम से डर वाला आ गया, ऐसा मत करो ते। अरे चल चल काम, मैडम की बात। अरे सुन, पूरी बात तो सुनते जा। अगर आपको लगता है कि आपका ये सर्दी खांसी जुकाम साधारण है तो आपको एक बार जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अगर ये कोविड हुआ या उसका कोई वेरिएंट हुआ तो आपसे आपके परिवार को भी फैल सकता है और आपके बच्चों को भी बीमार कर सकता है। आपको अपने अपने बच्चों को टीकाकरण करवाया कि नहीं? अरे कहाँ मैडम, इनको तो पता ही नहीं होगा कि बच्चों के भी टीके आ गए हैं। देखिए, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीका आ गया है, आप उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाइए और उन्हें भी टीका लगवाइए। अरे मैडम, मैं टीका लगावा के लिए मना न कर रहे हो, मैं मारा भी लगाऊंगा, हमारा बच्चा का भी लगाऊंगा, लेकिन ये लगा रखे थे ना, पहला कोरोना आयो, फिर डेल्टा आयो, फिर ओमिक्रोन आयो। अरे वो काई थे भाई, अरे आसान तो ये चालते रहो लंबी लंबी। अरे मैडम, मारी बात मानो, ये बीमारी मारी काई का मैडम की बातें को सुना पागल हो रहा है। अरे अरे देखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये साधारण बीमारी होती या चोचले होते तो पूरा देश इतना परेशान नहीं होता इस बीमारी से। हाहाकार मचा हुआ है, आपने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ। अरे मैडम, अब तो मैं लगाऊं कौन, मैं तो कत्ते ना लगाऊं मास्क। हमारी बात सुन लो, थी अब ये चले पहला देखो, फिर पहला ये बीमारी से पागल बना रखे थे। चलो मान लियो, मैं आज जांच करा लियो, मारी कोरोना, मारा कोरोना आयो। अरे चार दिन की खोटी बोली, चार दिन की तो देगा मजदूरी का पैसा मना, और तू देगा क्या मुझे मजदूरी के पैसे? कहा मैडम की मैडम पागल बना रही है, दो इंजेक्शन लगाती है और बस क्या पेगी फालतू का, चल चल कर चल डब्लू। अरे ओ सुन तो, तेरी कैसे लोग हैं ये, खुद तो सावधानी रखते नहीं है और दोष दूसरों को देते हैं, क्या होगा इन लोगों का? सावधानी सावधानी, अरे ये लोग अगर सावधानी बरतेंगे, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हमारा तो रोजगारी बंद हो जाएगा। ये इंसान धीरे धीरे और भी ज्यादा समझदार होने लगा है, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने लगा है। अरे फिर से याद दिलाना पड़ेगा इन लोगों को, अरे फिर से याद दिलाना पड़ेगा मेरे बड़े भाई का नाम। अरे बड़े भैया, अरे कहाँ है आप, अरे कहाँ है बड़े भैया, अरे जल्दी अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर
तरफ शिकार ही शिकार, हर तरफ संक्रमण ही संक्रमण। अरे इंसानों, क्या अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या अब भी COVID-19 डेल्टा और ओमिक्रॉन मजाक लगता है? अगर लगता है मजाक तो देखो अपने आसपास शमशानों में, अस्पतालों में, घर और मकानों में, चारों तरफ हाहाकार। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। देखा सुरेश, तेरी लापरवाही का नतीजा हम सब तेरी लापरवाही का फल भुगत रहे। देख, तेरी वजह से हम अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे। अरे तुम्हारी वजह से अब हम सब संक्रमित हो गए। अरे जब तुम्हें जांच करवाने के लिए कहा गया था तो जांच क्यों नहीं करवाई? जरूरी है कोरोना गाइडलाइन की पालना करना, हर वक्त मास्क पहनना और कोरोना का टीका लगाना, क्योंकि बचना है बचाना है वैक्सीन लगवाना है, बचना है बचाना है वैक्सीन लगवाना है। टीको लगवा ले रे भाया, टीको लगवा ले। आपको पसंद आया हो तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। यह थी कम्युनिटी थिएटर की लगभग 10 दिन की तैयारी और उसमें उन्होंने साकार किया। आप सबको धन्यवाद।